हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन वीडियोस के आ सके। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 सितंबर और हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा खरीदारी या बिकवाली हुई है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट अगस्त के महीने में कैसा रहा कंपैरेटिव टू जुलाई के महीने में। तो आपको मैं बता देता हूं कि इक्विटी के अंदर जो फंड इनफ्लो किया है अगस्त के महीने में वो तकरीबन रहा है 9,152 करोड़ के लगभग, जो कि जुलाई 2019 में तकरीबन था 8,113 करोड़। यानी कि अगस्त के महीने में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात काफी अच्छे रहे हैं अगस्त के महीने में। वहीं आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जुलाई के महीने में FFIs ने बहुत ज्यादा बिकवाली की थी, जो अगस्त के महीने में भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिली है। तो आगे चीजों को थोड़ा सा और समझने के लिए हमें उन स्टॉक्स को स्टडी करना पड़ेगा कि किन किन स्टॉक्स के अंदर ज्यादा बाइंग देखने के लिए मिली है। तो हम बात करेंगे लार्ज कैप की, स्मॉल कैप की और मिड कैप की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लार्ज कैप के अंदर वो जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाइंग करी गई है, उनमें देखेगा अशोक लेलैंड है, आईसर मोटर है, एवेन्यू सुपर मार्ट है, अडानी पोर्ट्स है और देखेगा सबका फेवरेट यस बैंक भी है। तो आपको इस चीज से समझना चाहिए, जो एक आर्टिकल कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने के लिए या इस तरीके की न्यूज फैलाई जाती है कि बेसिकली यस बैंक के बारे में मैं फोकस करके बोलना चाहूंगा कि इसी से आपको पता चलना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, किनको बाय किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लार्ज कैप में जो टॉप बाय करा गया है वो अशोक लेलैंड, आईसर मोटर, एवेन्यू सुपरमार्ट, अडानी पोर्ट और यस बैंक है। तो इससे आपको साफ हो गया होगा कि यस बैंक अपने आप में कितना पोटेंशियल रखता है और म्यूचुअल फंड्स के रडार पर है। वही बात करेंगे लार्ज कैप में जो टॉप सेलिंग करी गई है जिनके अंदर, वो है देखिएगा जी एंटरटेनमेंट, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हैवेल्स इंडिया, L&T फाइनेंस होल्डिंग, बंधन बैंक। आगे बात करेंगे मिड कैप की, तो देखिएगा मिड कैप में जहां पर सबसे ज्यादा बाइंग करी गई है तो देखिएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एलकेएम लेबोरेटरीज, GFL यानी कि गुजरात फ्लोरो लिमिटेड। अब देखिएगा बात करेंगे दूसरी तो देखिएगा JSW एनर्जी, ग्रे फाइनेंस, इनके अंदर अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिली है। ये मिड कैप स्टॉक्स हैं और जिनके अंदर सेलिंग मिली है मिड कैप के अंदर, वो है रिलायंस निकोन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, NBFC लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस, जिंदल स्टील एंड पावर, अडानी पावर। आगे बात करेंगे स्मॉल कैप जहां पर बहुत ज्यादा बाइंग देखने के लिए मिली है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, तो वो है देखिएगा महानगर गैस लिमिटेड, डेल्टा कॉर्प और देखिएगा सेट लिमिटेड और देखिए VM रिटेल लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स और देखिएगा स्मॉल कैप में जहां सबसे ज्यादा सेलिंग देखने के लिए मिली है वो देखिएगा NNIT टेक्नोलॉजी, वंडरेला हॉलीडेज, उज्जैन फाइनेंस सर्विसेज और देखिएगा सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड और BSC लिमिटेड। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा सेलिंग देखने के लिए मिली है। तो हमारे जो टॉप पिक है जहां सबसे ज्यादा लोगों के फेवरेट लोग जिनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करके बैठा बेसिकली रिटेल निवेशक, वो है यस बैंक। इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर देखेगा म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहा है। यस बैंक उनमें से एक है, अशोक लेलैंड उनमें से एक है। तो अब आप अपने आप को इस चीज के लिए कि आपको एग्जिट करना है, आपको उसमें एंट्री बनाए रखनी है, होल्ड करना है, इन सब चीजों को आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है ये अपने आप में आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वही दूसरी न्यूज की तरफ चलेंगे जो है देखिएगा सन फार्मा के बारे में। देखिएगा सन फार्मा में हाल फिलहाल में देखिएगा अपनी जो प्लेज शेयर्स थे उनको देखिएगा छुड़ाया गया है प्रमोटर्स के द्वारा, यानी कि जो पहले प्लेज रखे गए थे प्रमोटर्स द्वारा 5.21% के लगभग, वो रिड्यूस होके अब प्लेज क्वांटिटी हो चुकी है 4.3% के लगभग। यानी कि अब आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, प्रमोटर्स ने देखिएगा रिलीज कराए हैं तकरीबन 66.80 लाख इक्विटी शेयर्स जो प्लेज रखे हुए थे कोटक महिंद्रा के पास, ये सितंबर 5 को छुड़ाए गए हैं। वही देखिएगा रिलीज कराए गए हैं अनदर 1.4 लाख शेयर्स सितंबर 6 को कोटक महिंद्रा से। वही आगे बात करेंगे 6 सितंबर को और अलग से देखिएगा रिलीज कराए गए हैं 1.51 करोड़ शेयर्स कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप से। अब आप खुद देख सकते हैं कितनी ज्यादा प्लेज रखी हुई थी क्वांटिटी जो छुड़ाई गई है। वही देखिएगा
ये देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी की जो रिड्यूस जो प्लेज पहले रखी हुई थी होल्डिंग जो इनकी परसेंटेज थी वो थी 5.21%, जो घटके 4.3% हो चुकी है। वही देखिएगा आदित्य मेडिसेल्स जो कि एक अनेता प्रमोटर ग्रुप है उसने भी 6 सितंबर को रिलीज कराया है 99.70 लाख जो प्लेज रखे हुए थे यानी कि गिरवी रखे हुए थे JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के पास, उनको भी छुड़ाया है। तो ओवरऑल चीज जो है वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। हमेशा इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है जब भी कोई प्रमोटर्स अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाता है। वही अगस्त 30 की बात करें तो यहाँ पर भी 50 लाख के लगभग प्लेज रखे हुए शेयर्स IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज से छुड़ाए गए थे। वही देखिएगा पूरी बात अगर हम आगे जाके समझते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए ये जो पूरा सिनारियो है इसका अगर हम थोड़ा सा मोटो लेते हैं कि हमने इससे क्या जाना, तो देखिए यस बैंक ने अच्छे खासे नतीजे दिखाए थे हाल फिलहाल में, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो यस बैंक कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये वो समय है जहां पर आप कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन जरूर बना सकते हैं सन फार्मा के अंदर, क्योंकि देखिए इसने इतनी ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी बार बार ये दे रहा है, क्योंकि जब ये भागना शुरू करेगा तो ये बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें चोरी छुपे धीरे धीरे बड़ी जितनी भी FFIs हैं वो खरीदारी कर रही है, DIIs इसके अंदर खरीदारी कर रही है, इस चीज को आपको समझना है। और रिटेल निवेशक इससे कहीं ना कहीं अभी दूर है, तो जब तक रिटेल निवेशक दूर होता है तब तक देखिएगा बड़े लोग खरीदारी करते हैं और उसके बाद देखिएगा कहीं बड़े हाई दामों पर आपको बेच दिया जाता है। तो मेरे मुताबिक अभी इसके अंदर खरीदारी की पूरी की संभावनाएं हैं, आपको खरीदारी करके ही इसमें सन फार्मा में चलना चाहिए, बिकवाली इसमें करके फंसिएगा बिल्कुल भी मत। तो चलिए फिर इसके साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।